हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको इस लेक्चर के एवं अन्य लेक्चर्स के स्कैन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एपी। कुछ क्वेश्चन जो सीबीसी में आए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, दिस क्वेश्चन कब आया था? सीबीसी 2011। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। मैंने आपको बिगनिंग में बताया जब थ्योरी पढ़ाई थी, अगर थ्री टर्म्स का सम दे रखो तो हमको टर्म्स कौन सी लेट करनी है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। सो फर्स्ट लेट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी बी ए माइनस डी ए ए प्लस डी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या गिवन है? सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 33। डी और डी कैंसिल, सो ए प्लस ए प्लस ए, 3a इज इक्वल टू 33, सो a इक्वल टू 11। सो वी गेट वन ऑफ द वेरिएबल वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल, a की वैल्यू मिल गया आपको 11। अब d की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29, सेकेंड टर्म यानी a प्लस 29। अब नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a, एक ही जगह पर रखेंगे 11, सो 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29। 11 स्क्वायर मीन्स 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 11 40। 40 को इधर भेज दो, 121 माइनस 40 81 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू 81, देन डी इक्वल टू प्लस माइनस 9। अब नाउ टेक केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट, ए इक्वल टू 11 एंड डी इक्वल टू 9, देन थ्री टर्म्स आर। अब थ्री टर्म्स क्या क्या होगी? ए माइनस डी, 11 माइनस 9 टू ए, ए मीन्स 11, और थर्ड टर्म ए प्लस डी यानी 11 प्लस 9 20। और वेरीफाई भी कर लो, 11 माइनस 2 9, 20 माइनस 11 9। केस सेकेंड, ए इक्वल टू 11 एंड डी इक्वल टू माइनस 9, देन थ्री टर्म्स आर ए माइनस डी, 11 माइनस माइनस 9 यानी 11 प्लस 9 20, ए 11 और ए प्लस डी 11 प्लस माइनस 9 यानी 2। जब इस तरह क्वेश्चंस आएंगे हमेशा रिवर्स ऑर्डर में आंसर मिलेगा, केस पर केस सेकंड में नंबर्स आर सेम, वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा, 2 11 20 20 11 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द 60th टर्म ऑफ द एपी ए 10 12 इफ इट हैज
a total of 60 terms. Total 60 terms means 60 term is last term. Since A is equal to 8, D equal to second term minus first term, 10 minus 8, 2. 12 minus 10, 2. I'm now find last term. Question is find 60 term. So A 60 is equal to A plus 59 D is equal to A equal to 8 plus 59 into 2. So 59 to 118, or 118 plus 8, 126. So we get 60th term. Now question is, find the sum of its last 10 terms. Last 10 term is 51st term plus 52 terms plus, in this way. So therefore, the sum of last 10 terms is equal to sum of first 60 terms, 1 से लेके 60 term का sum, उसमें से 1 से लेके 50 term का sum minus कर देंगे, तो क्या जाएगा, last 10 terms का sum आ जाएगा. अब 60 terms का sum निकालना है, तो क्या होगा, 60 upon 2, 2 into A, A कितना आपके पास, 8, plus N minus 1, 60 minus 1, into D, common difference is 2, minus S 50, S 50 is equal to 50 by 2, in bracket 2 into first term, plus 50 minus 1 into common difference, D means 2. Now simplify, 60 by 2, 30, 8 to ja 16, 60 minus 1, 59 to ja 118, minus 25, 8 to ja 16, plus 49 to ja 98. More simplify, 30 into 118 plus 16, so 8 or 6, directly we can add 134, minus 25 into 98 plus 16, 114. Now simplify, now multiply, so 0, 3, 4, 12, carry 1, 13, 3, 39, or 1, 40, so 4, 0, 2, 0. Minus 25 into this, 25 4 ja 100, so carry 10, 25 1 ja 25 or 10, 35, carry 3, 25 1 ja 25 or 3, 28, 2850. Now subtract, this minus this, 0 minus 0, 0, 12 minus 5, 7, 9 minus 8, 1, and 3 minus 2, 1, so 1170. Next problem, find the sum of the series 5 plus 7 plus 9 plus 10 plus this to 40 terms. First check, 7 minus 5, 2. ऐसे नहीं देखते हैं, समझ लो कि AP एक कोर्स में AP का फार्मूला लगा दिया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2. दोनों डिफरेंस कितना है, 2, और बच्चे अली से एपी लगा देंगे. यहां चेक करो डिफरेंस कितना, 1 है, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, यहां डिफरेंस 1, डिफरेंस 3, डिफरेंस 0, डिफरेंस 4, डिफरेंस -1. तो ये तो एपी नहीं है, मींस वी कांट अप्लाई फार्मूला ऑफ एपी. थोड़ा सोचो, बहुत बार क्या करते हैं, दो क्वेश्चन को मिक्स करके देते हैं, टू डिफरेंस सीरीज. यहां पे देखो आप, 5 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, बिटवीन 5 एंड 9,
4, 9 और 13, 4, 13 एंड 17, 4, यानी अगर अपन एक एक टर्म छोड़ दें तो जो सीरीज है वो किस में, एपी में है। फिर देखो एक एक टर्म छोड़ के, 7 और 10, 3, 7 और 10, 3, एक एक छोड़ के, 10 और 13, 3 का डिफरेंस है, 13 एंड 16, 3 का डिफरेंस है, यानी ये टू APs को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया है। अब इसको अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगेन रीराइट, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 16 प्लस डॉट 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 टू 40 टर्म्स इज इक्वल टू। अब इसमें अपन फर्स्ट एक एक छोड़ के टर्म लिखते जाएंगे, पहले 5 प्लस 9, 5 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर कौन सा लेंगे 13, फिर 17 एंड प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसको कहाँ तक ले जाना है, टोटल 40 टर्म्स है और अपन ने हाफ टर्म्स पहले लिख दी और रिमेनिंग हाफ टर्म्स बाद में लिख रहे हैं, देखो ध्यान से सेकेंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 20 टर्म्स, अब सेकेंड ब्रैकेट में प्लस, अब रिमेनिंग टर्म्स 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस डॉट 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 टू 20 टर्म्स। अब 20 टर्म्स प्लस 20 टर्म्स 40 टर्म्स। अब देर आर टू APs, अब दो फार्मूले लगाने अपन को APs के। फार्मूला क्या होता है, राइट फार्मूला इन ब्रैकेट, एस एन इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। सो इन फर्स्ट एपी हाउ मेनी टर्म्स, 20, सो 20 बाय टू टू इन टू ए 5 प्लस 20 माइनस 1 इन टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4 प्लस सेकेंड एपी नंबर ऑफ टर्म्स 20 बाय 2 एन बाय 2 टू ए, फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस एन माइनस 1 20 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3। अब नाउ सिंपल कैलकुलेशन, 20 बाय 2 10, 5 टू जा 10, 20 माइनस 1 19 और 19 इंटू 4 76 प्लस 10, 7 टू जा 14, 19 थ्री जा 57, सो 10, 10 प्लस 76 86 प्लस 10 इंटू 57 प्लस 14, सो 71। अब नाउ सिंप्लीफाई, 860 प्लस 710 दोनों को प्लस कर लो, 0 1 और 6 7 8 और 7 15, सो 1570। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ थीप आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट, आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीप टू कैच हिम, ही गोज विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीप। क्वेश्चन समझ में आएगा आपको कि सबसे पहले क्या रहा, थीप चोरी करके भाग गया और पुलिसमैन उसके पीछे भाग रहा है, तो फर्स्ट मिनट में स्पीड सेम है दोनों की 100 मीटर, नेक्स्ट मिनट में पुलिस ने अपनी स्पीड बढ़ा ली 110 मीटर, आफ्टर 1 मिनट फिर से स्पीड बढ़ा ली कितनी 120 130 इन दिस वे, तो क्या होगा, पुलिस चोर की स्पीड तो फिक्स हो, एक ही स्पीड जा रहा है, पुलिस वाले ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, क्या होगा समय तो उसको पकड़ लेगा, तो कितने मिनट में वो पकड़ पाएगा, वो हमको फाइन करना है, और मैथ्स में जो चीज़ हम फाइन करते हैं उसको क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, लेट द पुलिसमैन कैच द
थीव आफ्टर एन मिनट्स ऑफ द थेफ्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डिस्टेंस कवर्ड बाय बाय थीप इन एन मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय थीप इन एन मिनट्स इक्वल टू Distance covered by policeman in n minus 1 minutes. क्योंकि after 1 minute उसने start किया था. After 1 minute a policeman runs after the thief. So policeman in n minus 1 minutes. Next step implies this equation. This equal to this. अब नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन एन मिनट्स उसकी स्पीड क्या है 100 मीटर पर मिनट फर्स्ट मिनट में कितना दौड़ रहा हो 100 मीटर सेकेंड मिनट में फिर कितना दौड़ेगा 100 मीटर थर्ड मिनट में 100 फर्स्ट मिनट में 100 टू मिनट में 200 थ्री मिनट में 300 तो आफ्टर एन मिनट्स एन इन टू 100 मीन्स 100 एन इज इक्वल टू अब डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन इन एन माइनस वन मिनट्स तो फर्स्ट मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पुलिसमैन 100 मीटर फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट फर्स्ट मिनट में 100 की स्पीड थी तो फर्स्ट मिनट उसने 100 मीटर ट्रेवल किया फिर सेकंड मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 110 की स्पीड बढ़ा दी 10 मीटर पर सेकेंड थर्ड मिनट में वो 120 मीटर कवर कर रहा है और ये कब तक करेगा टू n माइनस वन टर्म्स क्योंकि आफ्टर n माइनस वन मिनट्स उसको पकड़ लेगा टू n माइनस वन टर्म्स अब नाउ सिंप्लीफाई 100 n इक्वल टू अब दिस इज सिंपल ए पी 100 110 डिफरेंस कितना रहा 10 का फर्स्ट टर्म कितनी 100 कॉमन डिफरेंस 110 माइनस 110 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n माइनस वन सो एन माइनस वन अपॉन टू टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन माइनस वन फॉर्मूला होता है ना एन माइनस वन तो एन माइनस वन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 10 अब नाउ सिंप्लीफाई टू इंटू 100 सो 200 n इज इक्वल टू एन माइनस वन यहाँ ब्रैकेट लगाना कंपलसरी बच्चे यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं नहीं तो फिर वो माइनस वन का इंटू कर देंगे एन अलग ही रह जाएगा टू इंटू 100 एन माइनस टू इंटू 10 नेक्स्ट स्टेप 200 n इज इक्वल टू एन माइनस वन 200 प्लस 10 n माइनस 20 नेक्स्ट स्टेप 200 n इक्वल टू n माइनस 1 200 माइनस 20 180 प्लस 10 n इम्प्लाइज 200 n इक्वल टू n माइनस 1 सॉरी मल्टीप्लाई n इंटू 180 n प्लस 10 n स्क्वायर माइनस 180 एंड माइनस 10 n नेक्स्ट स्टेप सेंड ऑल क्वांटिटी फ्रॉम LHS टू RHS यप इट इज बेटर ऑल दैट साइड सो माइनस 10 n स्क्वायर 180 n और इसमें से 10 n माइनस कर दो कितना आएगा 170 n अब 200 में से 170 गया तो कितना आएगा प्लस 30 n
सेंड 180 डेट साइड, सो प्लस 180 इक्वल टू जीरो, टेकिंग माइनस 10 कॉमन, सो एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इक्वल टू जीरो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 10, सो एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इक्वल टू जीरो. टेल मी टू नंबर्स whose sum is minus 3 and product is minus 18. 6, 3 is 18. So, minus 6n plus 3n. 6 minus 6 or 3, minus 3. Minus 6 into 3, minus 18. What is common? In first two terms, n common. So, n minus 6 plus 3 common, n minus 6 equal to 0. N minus 6 common, so we get n plus 3 equal to 0. Product of two number is 0, so either n minus 6 equal to 0 or n equal to n plus 3 equal to 0. So n equal to 6 or n equal to minus 3. N is time, so time kabhi negative nahi hota hai, so rejected. So n equal to 6 minutes. Thank you. Have a nice day.